केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज आरती राव आज पहुंची फरुखनगर। फरुखनगर पहुंचने पर फरुखनगर क्षेत्र की जनता ने फूल माला और शाल भेंट कर उनका स्वागत किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फरुखनगर पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने बाबा सैयद पर पहुंचकर वहां चादर चढ़ाई और बाबा सैयद के सामने शीश नमन किया, बाबा सैयद की आरती अर्चना भी की। उसके बाद आप देख सकते हैं कितने श्रद्धा भाव से आरती राव बाबा सैयद के दरबार में हैं। उनके साथ पूर्व विधायक बिमला चौधरी जी भी पहुंची आज फरुखनगर। सबकी औरतें हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। ऐतिहासिक शहर फरुखनगर अंतरराष्ट्रीय चैंपियन शूटर भी है। कामना करूं आरती राव के स्वागत में मंच संचालन कर रहे पूर्व वाइस चेयरमैन गुड़गांव संजीव कुमार, उन्होंने कहा कि आरती राव का परिवार दक्षिण हरियाणा के लिए ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा और भारत के लिए एक ऐसा परिवार है जिन्होंने सदैव ईमानदारी से काम किया है। उनके स्वागत में फरुखनगर की जनता का इतना जनसैलाब था कि देखने को ही बनता था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से फरुखनगर से महिलाएं भी और फरुखनगर नगर पालिका से उप चेयरमैन जयंती चौधरी भी यहां पर मौजूद रही। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा फरुखनगर में रेल चलवाने तथा अन्य विकास कार्यों का भी फरुखनगर की जनता ने आभार जताया। इस मौके पर आरती राव ने कहा कि वह पटौदी क्षेत्र की जनता की आभारी है जो राव परिवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा स्नेह और सम्मान देती है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि राव परिवार पटौदी और फरुखनगर को कभी भी अलग नहीं समझता। फरुखनगर के लोगों ने जो समस्या बताई उन्हें अपने पिता श्री से कहकर जल्दी उनका हल करवाने की कोशिश करेंगी, यह भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि जिस गरीब परिवार के बीपीएल कार्ड कट चुके हैं उनको भी दोबारा बनवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा की जनता ने प्रदेश में दो बार बीजेपी सरकार बनवाने में अहम किरदार निभाया है। अपने सफेदी के ऊपर दिल मार विकास नहीं लागती है। भारत का मान्यवर मंत्री और 5 बार एमएलए, 4 बार सांसद और जिन खातर आशीर्वाद दे दियो वे लगातार निरंतर उनकी जय जयकार करवाई है और अपनी जमीन बेच दी। माननीय रामेंद्र से जमीर नहीं बेचो, उनकी सुपुत्री माननीय बहन आरती राव पूरे फरुखनगर के माँ मन की बात भी सुनने आई है, लोगों से मिलन भी आई है, आशीर्वाद भी लेने आई है। ए दिल्ली गेट के ऊपर, ए फरुखनगर की पावन धरा के ऊपर चाहे आजादी की लड़ाई फरुखनगर से शुरू हुई थी। नसीब पर के मैं 5,000 आदमियों ने माननीय राव तुलाराम जी का नेतृत्व में एक दिन सिर कटवा लिया था। बहन जी आपने शुरुआत करी है, फरुखनगर की शुरुआत आप नंदन चौधरी दे करो, अटेली दे करो, कोसली दे करो। आप माननीय राव इंद्रजीत सिंह का लड़का भी और लड़की भी और विरासत निरंतर नुही चालती रहे जैसी स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई में चल रही थी। मैं अनुरोध करूंगा गौशाला कमेटी का सदस्य गणे प्रधान जी एक मान छोटी सी देगा, एक बुक को देकर सम्मान करेगा, समय पर बिल्कुल अभाव है। 1 मिनट जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 8 से पहुंचे।